स्वागत है दोस्तों आप लोग का मोटर ड्राइव 24 पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की बलेनो, और आज हम इसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये एक प्रीमियम हैचबैक कार है जो कि ह्यूंडई की i20, टाटा की अल्ट्रोज जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट राइवल करती है। इसकी वेरियंट्स की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 वेरियंट मिल जाता है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फ़ा। ये बलेनो का बेस वेरियंट है सिग्मा वेरियंट, और इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं वो हम चेक करेंगे इस वीडियो में। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 6,66,000 पड़ जाता है एक्स शोरूम, और इस प्राइस में ये वाला वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है वो हम देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी लेना है तो आप पास्को नेक्सा में आ सकते हैं। ये प्लेटिना टावर में पड़ता है, आपको काफ़ी अच्छा से अच्छा डील भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर डिटेल आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप गाड़ी देख लेते हैं। ये आपको पेट्रोल नेक्सा ब्लू कलर के साथ है मैनुअल में, और इसका ये फ्रंट प्रोफाइल है। शुरुआत करते हैं फ्रंट में, तो सेंटर में आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको ग्रिल मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट मिल जाता है प्रोजेक्टर में, लेकिन येलो कलर का लाइट जलता है, ये LED नहीं है। आपको यहाँ पर कोई DRL नहीं मिलता है। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा इसके बेस वेरिएंट में कोई फॉग लाइट नहीं आता, ये एसेसरी का पार्ट है। आपको यहाँ पे LED में ही फॉग लाइट दिया गया, बाकी ये क्रोम स्ट्राइप्स आप देख रहे हैं ये सब एसेसरी का पार्ट है। इस गाड़ी में 25,000 एसेसरी लगा हुआ है। तो क्या क्या चीज़ आपको उस पैकेज में आ जाता है वो हम आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बता देंगे। उसके अलावा चलिए गाड़ी का साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। तो ये कुछ गाड़ी का साइड प्रोफाइल है। शुरुआत करते हैं इसके व्हील से। तो इसके सिग्मा वेरिएंट में आपको कोई व्हील कवर नहीं आता है, सिल्वर कलर का आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलता है, लेकिन ये व्हील कवर इसका वही एसेसरी पैक में इंक्लूडेड है, कंपनी से ही आपको मिल जा रहा है। इसका टायर सेक्शन चेक करें तो 185/65R 15 इंच का आपको टायर मिल जाता है, अपोलो का टायर दिया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर फेंडर पर ही इंडिकेटर दिया गया है, ये क्रोम आपको एसेसरी में मिल जाता है। ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर इसका ORV मिलता है, आप इसको बाद में पेंट करवा सकते हैं। फिर ऊपर में आप देख रहे हैं रेन वाइजर लगा हुआ, ये सब एसेसरी का पार्ट है। क्रोम डोर हैंडल, नीचे डोर साइड मोल्डिंग, ये सब आपको एसेसरी में ही मिल जाता है। ऐसे इसमें आपको ब्लैक कलर का डोर हैंडल मिलता है, ये क्रोम लग गया तो पता भी नहीं चल रहा, बस आप वो मिरर को पेंट करवा लीजिए, काम हो जाएगा। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो इसमें आपको 170 mm का काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और पीछे का व्हील देखें तो यहाँ पर आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, नॉर्मल ड्रम में ही आपको ब्रेक आ जाता है। बाकी गाड़ी का रियर प्रोफाइल चेकआउट कर लेते हैं। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर माइक्रोवेव एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर दिया गया, यहाँ पर आपको स्टॉप लैंप आया था, और रियर डिफॉगर भी दिया गया इसके बेस वेरिएंट से, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको LED में ही इसका टेल लैंप मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पर सुजुकी का आपको लोगो मिल जाता है। कोई कैमरा आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको बलेनो का बैजिंग मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ रिफ्लेक्टर दिया गया है, और 4 आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाता है। अब गाड़ी का बूट चेक कर लेते हैं। तो गाड़ी का बूट काफ़ी डीप है, आप देख सकते हैं काफ़ी डीप है, और काफ़ी बड़ा भी है। आप काफ़ी अच्छा खासा इसमें लगेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई लाइट बूट लैम्प नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको हुक दिया गया है, कुछ सामान टांग सकते हैं। बाकी नीचे देखे तो यहाँ पे आपको स्टील व्हील मिल जाता है सिल्वर कलर में, 185/65R 15 इंच का आपको इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है, सेम साइज़ है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बूट काफ़ी बड़ा है, कोई आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन आप वो भी ले सकते हैं एसेसरी में चाहे तो। बाकी ये क्रोम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्रोम है ये सब उसी एसेसरी पैक में इंक्लूडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी अंदर से चेकआउट कराते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन अंदर जाने से पहले आपको इसका चाबी दिखा दें। आपको दो ऐसा चाबी मिल जाता है, इधर से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसके डोर से। तो यहाँ पर आपको ड्यूल कलर ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक और हल्का सा नेवी ब्लू शेड दिया गया, बाकी आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर इसका डोर लॉक मिल जाता है। चारों आपको पावर विंडो मिल जाता है, ऑटो अप एंड डाउन फीचर्स के साथ। आपको इसका मिरर्स को इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली हाथ से करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको हल्का फैब्रिक का यूज़ किया गया जो कि अच्छा लग रहा है। बाकी 1 लीटर का बोतल स्टोरेज एरिया यहाँ दिया गया, कुछ आप यहाँ सामान रख सकते हैं। और इसका सीट चेकआउट करें तो इसमें आपको सीट
ये जो आप देख रहे हैं सीट कवर, ये लगा हुआ है एसेसरी में, ऐसे फैब्रिक सीट इसमें आता है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, सॉफ्ट सीट है इसका, कंफर्टेबल भी है। बाकी इसमें आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट का फीचर्स नहीं मिलता। इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और ट्रैक्शन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और आगे का हेडलाइट को आप लेवल कर सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ पे आपको इसके स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। और अंदर की तरफ आपको नॉर्मल में ही मिल जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चाबी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो कर रहा है, टाइम यहाँ पे बता रहा है और पीछे के पैसेंजर सीट बेल्ट लगाए कि नहीं उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ रहा है। बाकी यहाँ पे ट्रिप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एवरेज बताएगा और रेंज आपको बताएगा कितना किलोमीटर चलेगा। तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी इस साइड आपको नॉर्मल में ही वाइपर्स कंट्रोल मिल जाते हैं और इस साइड आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं आता है। उसके अलावा आपको सेंटर में कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है क्योंकि बेस वेरिएंट है। आप चाहे तो कंपनी एंड से लगवा सकते हैं या बाहर से भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाता है और सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ पे दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर ब्लैक है, नीचे सिल्वर और इधर नेवी ब्लू कलर का शेड आपको दिया गया, अच्छा लग रहा है काफ़ी। फिर ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, मैनुअल में आपको डे एंड नाइट आरपीएम मिल जाता है और इस साइड भी कोई वारंटी मिरर आपको नहीं मिलता। बाकी इधर आपको ग्रैब हैंडल दे दिया गया है और इसका ग्लव बॉक्स चेक करें तो काफ़ी बड़ा आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी डीप है, कोई लाइट आपको यहाँ पर नहीं मिलता। और सबसे अच्छी बात इसका बेस वेरिएंट है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी भी मिल जाता है। बाकी और नीचे की तरफ देखें यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, दो यहाँ पर कप होल्डर दिया गया है और यह है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको हैंडब्रेक मिल जाता है ब्लैक टिप के साथ और बाकी अब यहाँ चाबी भी कुछ रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों यही है बलेनो का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। अब चलिए गाड़ी के रियर सीट पे चलते हैं और आपको गाड़ी रियर से चेकआउट कराते हैं। तो चलिए चलते हैं अब गाड़ी के रियर सीट पर। तो शुरुआत करते हैं इसके रियर डोर से। तो यहाँ भी आपको फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ड्यूल टोन कलर ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको डोर लॉक मिल जाता है। यहाँ पे आप 1 लीटर का बोतल स्टोरेज रख सकते हैं, मतलब बोतल रख सकते हैं और यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है लेकिन उसका यहाँ पर हाउसिंग दिया गया, आप लगवा लीजिएगा। बाकी इसका रियर सीट चेक करें तो आपको यहाँ पर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है बेस वेरिएंट उसके बाद भी, जो आपके कम्फर्ट को काफ़ी इन्हांस कर देता है। बाकी आप इसके सीट को 60-40 भी स्प्लिट कर सकते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ आपको मिल जाता है इसके रियर सीट के साथ। उसके अलावा आपको यहाँ पे 3 सीट बेल्ट भी दिया गया है, डेडिकेटेड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो अब हम आ गए बलेनो के रियर सीट पे और आपको यहाँ पे दिखाते हैं और क्या कुछ मिलता है। तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे विंडो ग्लास एरिया मिल जाता है, तो पीछे जो भी बैठेंगे उनको कोई भी सफोकेशन जैसा नहीं लगेगा, काफ़ी एरिया है। क्वार्टर ग्लास भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सेंटर में यहाँ पे आपको लैंप दिया गया है येलो कलर के साथ। उसके अलावा पीछे कोई आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। और बाकी इसका फ्लोरिंग देखें तो आपको यहाँ सेंटर में हल्का सा हम्प मिलता है लेकिन उतना भी दिक्कत की बात नहीं है। और इसका लेग रूम चेक करें तो मेरा हाइट 5.6 है और आगे का सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया गया था, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लेग रूम मिल रहा है हमको यहाँ पे। और आपका हेड रूम चेक कराएं तो इतना हेड रूम भी हमको मिल जा रहा है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाला है, पीछे काफ़ी आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। और इसका रियर सीट भी आप देख सकते हैं पूरा फ्लैट है तो कोई दिक्कत नहीं होगा 3 लोग को बैठने में। और इस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हैंगर के साथ। बाकी पीछे से आप इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको दिखता है। तो यही था बलेनो का रियर सीट। चलिए अब बाहर चलते हैं और आपको इसका इंजन चेकआउट कराते हैं।
तो दोस्तों ये है बलेनो का 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करता है 89.7 पीएस का और 113 एनएम का टॉर्क 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। और माइलेज की बात करें तो ये आपको 22 से 23 kmpl तक का काफ़ी आराम से माइलेज दे देगा। अब गाड़ी अच्छे से चलेगा तो और भी आपको इसमें माइलेज मिल जाएगा। उसके अलावा ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग दिया गया। वैसे भी मारुति का इंजन काफ़ी रिफाइन रहता है और ये देने के बाद आपको अंदर केबिन में कोई भी आवाज़ नहीं जाएगा जब भी आप गाड़ी चलाइएगा तो। और इसका इंजन बेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आपको इसका इंजन बेरिया यहाँ मिल जाता है। और दोस्तों बात करें ये बलेनो का सिग्मा वेरिएंट में आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर मिल जाता है, तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है ये इसका बेस वेरिएंट। अगर आप एक बेस वेरिएंट देख रहे हैं किसी गाड़ी का तो आप बलेनो का ये सिग्मा वेरिएंट को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। आप बाद में चाहे तो इसमें अपने मन के हिसाब से एसेसरी लगवा सकते हैं बाहर से भी, या फिर आप कंपनी के एंड से भी लगवा सकते हैं। आपको बता ही दिए इस वीडियो में क्या क्या इसमें आपको आ जाता है, बस एक म्यूज़िक सिस्टम इसमें नहीं आता वो आप लगवा सकते हैं। गाड़ी आपको पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती है। तो आपको कैसा लगा ये वाला वेरिएंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।